टाटा नेक्सॉन का एक नया वर्जन, एक नया अवतार इंडिया के मार्केट में लॉन्च हो सकता है। हालांकि ये नेक्सॉन के नाम पे ही रहेगा, उस लोग तो उसे नेक्सॉन कूपे मॉडल बुला रहे हैं। हालांकि कूपे गाड़ी होगा ये, पहले इलेक्ट्रिक वेरिएंट में लॉन्च होगा, उसके बाद पेट्रोल और डीजल में भी लॉन्च हो जाएगा। ये गाड़ी सुनने को ये भी मिल रहा है ये क्रेटा जैसे गाड़ियों के साथ डायरेक्ट राइवल रहेगा। हो सकता है ये टाटा की ब्लैकबर्ड के नाम से भी लॉन्च हो जाए, जो कि कुछ दिनों पहले सुनने को मिल रहा था, लेकिन कुछ अभी तक कन्फर्म नहीं है। फिर भी डिटेल्स में जानकारी लेंगे, गाड़ी क्या कुछ होने वाला है, क्या क्या फीचर्स रहेगा, नेक्सॉन जैसे प्राइस रेंज में आएगा, ये क्रेटा जैसे के प्राइस रेंज में आएगा, गाड़ी क्या कैसे इलेक्ट्रिक बैटरी में आएगा या जो नेक्सॉन पे मिल रहा है वही आएगा, पेट्रोल डीजल कब तक आएगा, पूरा डिटेल्स में जानकारी लेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। टाटा नेक्सॉन कूपे मॉडल, ये कूपे कार होगा कम्प्लीटली टाटा के तरफ से एक नए डिज़ाइन मॉडल, जो कि इस रेंज में लॉन्च होगा। लेकिन ये गाड़ी जो है BMW मर्सिडीज जैसे कंपनियां इस कूपे डिज़ाइन गाड़ी को इंडिया के मार्केट में सेल करती है, टाटा इसी तरह कुछ गाड़ी इंडिया के मार्केट में सेल करेगा, जिसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस तो अच्छा खासा रहेगा लेकिन गाड़ी सेडान जैसे फील होगा। नेक्सॉन कूपे की बात करें, इसके फ्रंट लुक कुछ हद तक सिमिलर रहेगा टाटा नेक्सॉन की जो अभी के मॉडल है उसके जैसा, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत कुछ कॉस्मेटिक्स चेंजेस मिल जाएगा आपको। हेडलैम्प में कुछ चेंजेस मिल जाएगा, नए DRLs मिल जाएंगे, गाड़ी की बम्पर में थोड़े चेंजेस आपको मिल जाएगा, लेकिन बात करें जाए इसकी बड़ी चेंजेस रहेगा साइड प्रोफाइल में, जो कि कूपे लुक यहां पे दे दिया जाएगा। एक क्रॉसओवर जैसे SUV लुक आपको साइड प्रोफाइल में मिलता है टाटा नेक्सॉन पे, उसको एक कूपे लुक दे दिया जाएगा, जैसे कि BMW मर्सिडीज की कूपे गाड़ियां आप देख चुके हैं, उसी तरह कुछ यहां पे लुक यहां टाटा नेक्सॉन को दे दिया जाएगा। गाड़ी में पहले से लॉन्गर आपको व्हील बेस मिल जाएंगे और बड़े चंकी टायर्स भी मिल जाएंगे, में भी 17 इंच के अलॉय व्हील्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। रेयर प्रोफाइल पे भी थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा, नए डिज़ाइन के आपको LED टेल लैंप्स मिल जाएंगे और बम्पर पे भी काफ़ी कुछ चेंजेस कर दिया जाएगा। गाड़ी में बूट स्पेस भी एनहांस हो जाएगा, लगभग यहाँ पे 405 लीटर तक का बूट स्पेस मिल सकता है या उससे ज़्यादा बूट स्पेस आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। इंटीरियर की बात करें, ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा टाटा नेक्सॉन जैसे इंटीरियर के साथ, बट यहाँ पे डैशबोर्ड पे, इसके टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम पे कुछ कुछ चेंजेस आपको रहेंगे। लेदर सीट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि गाड़ी थोड़ी प्रीमियम लेवल की तरफ जाने वाला है। काफ़ी अच्छा खासा पहले से स्पेस मिल जाएगा, रेयर सीट्स पे आपको अच्छा खासा लेगरूम मिल जाएगा, क्योंकि गाड़ी पहले से थोड़ा लंबी हो जाएगा। उसके साथ साथ फीचर्स पे भी कुछ चेंजेस हो सकता है। जैसे कि फीचर्स की बात करें तो नेक्सॉन पे आपको जो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम अभी मिलता है उसको रिप्लेस पहले किया जाएगा, क्योंकि सुनने में को मिल रहा है टाटा एक नए टचस्क्रीन के ऊपर काम कर रहा है, जो कि सभी गाड़ियों में आगे मिल जाएगा। तो उसी तरह कुछ एक बड़ा सा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको इस नेक्सॉन कूपे मॉडल पे मिल सकता है। कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी का ऑप्शन भी दे दिया जाएगा। गाड़ी में एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल आपको मिलने वाला है। सुनने को ये भी मिल रहा है कि फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इसे टाटा की गाड़ी में मिलने लगेगा। एक बड़ा सा पैनारोमिक सनरूफ मिल जाएगा, जी हाँ, नॉर्मल सनरूफ नहीं, एक बड़ा सा पैनारोमिक सनरूफ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। गाड़ी में एम्बिएंट लाइटिंग का ऑप्शन भी मिलेगा, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी गाड़ी में भी मिल सकता है, और ऐसे कई सारे प्रीमियम लेवल की फीचर्स यहाँ पे दिए जाने वाले हैं। सेफ्टी की बात करें, टाटा नेक्सॉन तो 5 स्टार की रेटिंग ला चुका है ग्लोबल NCAP से, तो ये गाड़ी भी काफ़ी सेफेस्ट गाड़ी रहेगा। टाटा की गाड़ियों के बारे में क्या कहना है, ये गाड़ियाँ बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी बेहतरीन होता है और सेफेस्ट ही होता है इंडिया के मार्केट में। बजट सेगमेंट में जितना सारे गाड़ियाँ हैं, टाटा की गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा सेफेस्ट है। महिंद्रा की गाड़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा सेफेस्ट गाड़ी मानी जाती है। उसके साथ अगर बात करें सेफ्टी फीचर्स की, तो यहाँ पे 6 एयरबैग मिल सकता है टॉप एंड वेरिएंट में, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल जैसे फीचर्स भी गाड़ी में मिल सकते हैं। इंजन और बैटरी पैक की बात करें, यानी कि यह गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर भी आएगा, पेट्रोल और डीजल पे भी लॉन्च होगा, लेकिन सुनने को ये मिल रहा है कंपनी ये गाड़ी को पहले इलेक्ट्रिक वेरिएंट में लॉन्च करेगा, उसके बाद ये पेट्रोल और डीजल आएगा। अभी तक जो जो कंपनियां जो गाड़ी लाता है उससे पहले पेट्रोल और डीजल में लॉन्च करता है, उसके बाद उसको इलेक्ट्रिक गाड़ी में
सेल किया जाता है, लेकिन ये पहली बार टाटा की तरफ से होने वाला है। ये गाड़ी पहले इलेक्ट्रिक वेरिएंट में लॉन्च होगा, उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये पेट्रोल और डीजल के साथ लॉन्च होगा। इलेक्ट्रिक वेरिएंट की बात करी जाए, इस गाड़ी में आपको 40 किलोवाट ज़्यादा एक्स्ट्रा बैटरी आपको पैक मिलने वाला है, जिसकी रेंज की बात करी जाए सुनने को मिल रहा है 600 किलोमीटर तक का रेंज यहाँ पे आपको ऑफर किया जाएगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। बात करी जाए इसमें पेट्रोल पे न्यू 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो कि टाटा की तरफ से एक नया इंजन होगा, जिसमें आपको 160 bhp का पावर मिल जाएगा। उसके साथ साथ अभी जो 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन मिल रहा है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करी जाए, सुनने को मिल रहा है ये गाड़ी सीधे सीधे राइवल होगा क्रेटा जैसे गाड़ियों के साथ। इलेक्ट्रिक व्हीकल के इसके ऑप्शन की बात करी जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्राइस थोड़ा ऊपर चल जाएगा, तो एक्सपेक्टेड है 20 लाख ऑलमोस्ट इसके इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्राइस हो सकता है। अगर बात करी जाए पेट्रोल और डीजल की, 9 से लेकर 10 लाख से इसकी प्राइस रेंज शुरू हो सकता है। तो एक्सपेक्टेड लॉन्चिंग की अगर बात करी जाए तो ये गाड़ी मिड ऑफ 2023 को ही इंडिया के मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आज से एक साल के बाद ये गाड़ी को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया के मार्केट में। तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल कूपे मॉडल के बारे में, जो कि 2023 को ही इंडिया के मार्केट में लॉन्च होगा। तो आपको कैसा लग रहा है इस गाड़ी के बारे में सुनकर, इन्फॉर्मेशन लेकर, मुझे कमेंट करके बताइए। और ऐसे से नए नए वीडियो देखना चाहते हैं ऑटोमोबाइल्स के ऊपर, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है ऐसे कैसे नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।